वेलकम गाइस। अच्छा भाई शिंचन, आज का क्या सीन है? फ्रंगलिन भाई, आज का सीन देख लो, क्या ये सब तुम्हारे सामने ही है? मुझे क्या पता, खुद भी देखो मुझे भी देखो। अच्छा चलो देखते हैं क्या यहाँ का ये किया। ये तो सीधा सा अपना राउंड है अपना। मेरे ख्याल से तो पिछले लास्ट वाले चैलेंज से ये तो मेरे ख्याल से बहुत सिंपल है। ये तो मेरे ख्याल से यहाँ से सुकून से कर लेंगे फ्रंगलिन भाई। ये सुकून से कुछ नहीं होता, ये देखो यहाँ पर आगे जाके शायद मुश्किल दिया हुआ यहाँ पर। अबे हाँ शिंचन, तो सही कह रहा है, यहाँ पर तो अजीब अजीब रेम दिए हुए हैं, दो दो साइड के दिए हुए हैं। एक वहाँ की तरफ जा रहा है, एक यहाँ की तरफ जा रहा है। बल्कि नहीं, वो रेम तो मेरे ख्याल से गिर गया। ये पता नहीं रेम बनाते हुए ना मेरे ख्याल से ये इंजीनियरों से कोई गलती हो गई है यहाँ पर। ये अजीब सा सीन करा हुआ इन लोगों ने यहाँ पर, आधा आधे टुकड़े पड़े हुए हैं। यहाँ से अपने सीधा जाना, ये सीधा सीधा यहाँ से गए, यहाँ से फिर अपना ये कंटेनरों पर रेम बना हुआ है मेरे ख्याल से। ये पहाड़ों के दरमियान से रास्ते बनाए हुए इन लोगों ने। यहाँ से अपना ये रैम बनाया, यहाँ से अपने ये जंप लगाने के बाद यहाँ से फिर लॉन्ग जंप लगानी पड़ेगी। ये लॉन्ग जंप लगाने के बाद जाएंगे कहाँ हैं? इसके बाद तो ये सादा से ये आ गई यहाँ पर। क्या चक्कर है यहाँ पर? ये सोलर पैनल लगे हुए हैं यहाँ पर। ये क्या यहाँ पर? तो यार दूर दूर तक कुछ और नज़र ही नहीं आ रहा है यहाँ पर। ये जाना क्या है, ये चक्कर क्या है ये हैं छिन? पता नहीं फ्रंगलिन भैया क्या चक्कर है। मैं कहते वापस चलते हैं, ये वापस गाड़ी में जाने के बाद ही पता लगेगा शायद आगे से, जब गाड़ी में चैलेंज कंप्लीट आगे आगे राउंड मुकम्मल करेंगे ना, जब भी कुछ आगे शायद खुद ब खुद बनता जाए। अच्छा चलो शिनचिन, फिर देख लेते हैं क्या क्या बनेगा आगे, फिर आ जाते हैं अपनी उसमें। हाँ फ्रंकलिन भैया यही करते, और क्या करना पड़ेगा। अच्छा फिर कौन पहले, तू चेंज करेगा? मैं करूँगा? नहीं फ्रंकलिन भैया पहले तुम ही कर लो। क्यों? चल ठीक है, क्यों तू क्यों नहीं कर रहा? फ्रंकलिन भैया पहले तुम देख लो ना, उसके बाद मैं देखता हूँ। पहले आप बड़े हो, आप जाओ पहले। अच्छा भाई बड़ी इज्जत दे रहा है तू, चल तेरा शुक्रिया भाई इज्जत देने का। फिर चलता हूँ फिर। हाँ भी शिनचिन, ओके गुड लक, चल भी ओके भाई। फ्रैंकलिन भाई उम्मीद है कुछ गंदा ही करोगे। अबे ये क्या बोल रहा है तू, गंदा करोगे? अच्छा करूँगा मैं, गंदा क्यों करूँगा? अभी ये कौन सी गाड़ी है? टेस्ला की मेरे ख्याल से गाड़ियाँ आई हुई हैं यहाँ पर। ये उसका कबाड़ा पहले से हुआ हुआ, ये देखो ये लोकल गाड़ियाँ दी हुई हैं यहाँ पर। यहाँ भी फ्रैंकलिन भैया क्या चक्कर है यहाँ का, देख लो। अबे ये क्या शिनचिन, यहाँ से फुल रहे। अबे वाह भाई वाह, ये क्या, ये तो हवा में उड़ने लग गई है गाड़ी। ये मेरे ख्याल से इसको पैराशूट लग गए। फ्रंगीन भैया वाकई ये तो पैराशूट की तरह अपना उड़ रहा है। फ्रंगीन भैया तो बहुत आसान है। अबे ये क्या फ्रंगीन भैया, तुम तो ये डैम के अंदर गिर गए। अबे ये क्या, ये तो डैम था यहाँ पर, मैं डैम के अंदर आ गया क्या? हाँ फ्रंगीन भैया लो बस, तुमने यहीं, तुम तो बोल रहे थे बहुत सिंपल था आसान था, ये तो तुम यहीं पर ही बस एक लॉन्ग जंप के बाद ही तुम अपना काम हो गया फ्रंगीन भैया। अबे हाँ बे यार शिनचिन, ये तो बहुत गड़बड़ हो गया है। और सर्दी वैसे यार मुझे तो बहुत सर्दी लग रही है, यहाँ पर कोई जाने का रास्ता भी नहीं है। ये कैसा अजीब सा ये राउंड दिया हुआ इन लोगों ने। तो फिर सही है, सर्दी लग रही है तो फिर फ्रंगलिन भैया अंदर क्या कर रहे हो, आ जाओ फिर मेरे पास हैं। हाँ फ्रंगलिन भैया और सुनाओ कैसे था अंदर ठंडा पानी? हैं ठंडा पानी का सुनाओ कैसा था, क्या हो गया, मूड क्यों ऑफ हो गया? अबे क्या बताऊँ तेरे को, सर्दी की वजह से फुल कांपे टांग गई हैं मेरी, और टांगे कांप गई हैं मेरी। अच्छा फ्रंगलिन भैया फिर मुझे एहतियात करना पड़ेगा, इसका मतलब है कि मैं ज़मीन पे गिर जाऊँ, पानी के अंदर ना गिरूँ। हाँ शिनचिन तू ख्याल करियो, तेरी तो सेहत वैसे बहुत, तेरी सांसें वैसे बहुत कम होती हैं, तू क्या अपना आगे तक जाएगा? ये देखो फ्रंगलिन भैया ऐसे लॉन्ग जंप जब लगाते हैं यहाँ पर अपना, देखो ये पैराशूट की तरह हवाई जहाज़ की तरह अपना ये नीचे लैंड करेगा, ये देखना। अभी ये जंप लगाया, अबे नहीं फ्रंकलिन भैया ये क्या हो गया। फ्रंकलिन भैया ले चलो, अच्छा वो मैं पानी के अंदर तो नहीं गिरा। अबे फ्रंकलिन भैया ये देखो यहाँ से तुम्हें क्या थे रास्ता ही रेम के अंदर जाने का, यहाँ से कोशिश करता हूँ कि मैं यहीं से रेम के अंदर घुस जाऊँ। अबे शिनचिन यहाँ से कोई रास्ता नहीं होता, देख शायद रास्ता हो भी, कुछ कह ही नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर ये सारे कंटेनर टूटे हुए, शायद यहाँ से भी गाड़ी आई हो हटाने के लिए, तो यहाँ पर फिर इसके लिए भी रास्ता हो। हाँ फ्रंकलिन भैया देखता हूँ मैं, चेक करता हूँ क्या चक्कर है यहाँ पर। यहाँ से तो मेरे ख्याल से शायद गाड़ी नहीं जाएगी, और यहाँ से देखते हैं, यहाँ से अंदर जाने की कोशिश करते हैं। ये छोटा सा गेट दिया हुआ इन्होंने मेरे ख्याल से। नहीं फ्रंकलिन भैया यहाँ से भी नहीं जाएगी गाड़ी छिन। अच्छा यहाँ से भी नहीं जाएगी, देख ले क्या चक्कर है यहाँ पर।
यहाँ पर मेरे ख्याल से कहीं से भी रास्ता नहीं है यहाँ से। फ्रंगीन भैया मुझे तो कहीं से रास्ता नज़र नहीं आ रहा। अच्छा तो फिर तेरे को छिन रास्ता नज़र नहीं आ रहा तो तू क्या कर रहा फिर, आ जा मेरे पास वापस। हाँ अभी फ्रंगीन भैया रास्ता तो नहीं मिला था, तुम जाओ तुम देख लेना। वैसे मुझे तो लगता है तुम जाओगे डायरेक्ट पानी में। क्यों भाई मैं पानी में क्यों जाऊँगा हैं? अगर तेरी बात तो मैं राउंड मुकम्मल करूँगा, अगर राउंड मुकम्मल नहीं भी हुआ तो भाई मैं ज़मीन पे रहूँगा। अब सर्दी वैसे हो रही है भाईजान, कुछ बोला ही नहीं जाता। उसके बाद तो बस सीधे खड़े रहो गर्म कपड़ों में। वैसे क्या कहते हैं ज़्यादा मैंने कपड़े, तू तो पूरा तैयार होके आया हुआ है। मैं तो बिल्कुल बारीक शर्ट वगैरह पहनी हुई है। ये देखो यहाँ से अपना सुकून से, अब मुझे लगता है कि कुछ उम्मीद है कि कुछ बेहतर हो जाएगा। ये देख यहाँ से सुकून सबसे लैंड ली और ये यहाँ से बिल्कुल। अबे ये क्या हो गया ये, अबे शिनचिन ये तो मैं वहीं आ गया यहाँ पर तू आया था है। हाँ फ्रंकलिन भैया ये तो शॉर्ट सर्किट हो गया, तुमने तो बिजली के पुल गिरा दिए। अबे ये क्या डिग्गी ओपन हो गई है अपने इंजन की, ये क्या वापस बंद हो गई। हाँ फ्रंकलिन भैया अब तुम कोशिश करो यहाँ से कोई शायद रास्ता हो निकलने का। चल मैं देखता हूँ लेकिन मुझे नहीं लगता यहाँ पर कोई रास्ता है, यहाँ से सिर्फ बाहर जाने का ही रास्ता है। लेकिन बाहर जाके हम क्या करेंगे हैं? अब ये साइकिल वाला आ रहा है, अबे ये तो भी वहाँ से आ रहा है। रास्ता बताइए कहाँ भाग रहा है, बात तो सुन मेरी। अबे भाई मेरे को नहीं पता, मेरे को अपना साइकिल चलानी है, तुम लोग अपना राउंड क्या कर रहे हो। अबे शिनचिन एक साइकिल वाला आया था लेकिन उसने तो बात ही नहीं सुनी है। हाँ फ्रंगीन भैया। हाँ अभी फ्रंगीन भैया तुम तो वो जल्दी वापस आ गए, क्या हुआ? क्या करूँ यार अपना वहाँ पर मूड ऑफ सा हो गया था, साइकिल वाले ने बेइज्जत कर दिया, कुछ बोला ही नहीं यार। इतनी वीआईपी गाड़ी थी, उसके बाद एक छोटी सी गाड़ी, वो सुनी रहा गाड़ी देख के भी नहीं बोल रहा मेरे से हैं। ये इज्जत है अपनी यार गाड़ी वालों की। यार फ्रैंकलिन भैया अपना तुमने तमीज़ से बात नहीं करी होगी ना, तुम भाग के उसको लगा उसको कोई चोर है। अच्छा तेरे को मैं छिन चोर नज़र आता हूँ हैं? अभी रुको तू वापस आ तेरे को मैं बताता हूँ। सॉरी फ्रैंकलिन भैया सॉरी, मैं तो वैसे ही बोल रहा था चोर नहीं, आप तो बहुत नेक इंसान हो पुलिस ऑफिसर हो। ये अपने ये देखो इस तरह आए आए फ्रैंकलिन भैया, मैं तो देखो इसके अंदर से गिर गया। हाँ तू बहुत बड़ी बातें कर रहा था ना, ये देख तू पानी में चला गया है अपने आप। तेरे को पता लगेगा जब तू वापस आएगा ना, सीधा खड़ा रहेगा अपने पुतले की तरह, तेरे को पता लगेगा। अबे फ्रैंकलिन भैया यहाँ तो बहुत सर्दी है, फ्रैंकलिन भैया कुछ करो, फ्रैंकलिन भैया कोई किनारा ही ढूंढ दो, मेरे को बहुत सर्दी लग रही है। वापसी का भी दिल नहीं कर रहा अपना, तुम जाओगे तुम मेरे को मारोगे, मैं किनारे पे यहीं पर ही साइड पे अपना साइड से छुप जाता यहाँ पर। अबे नहीं देर को कुछ करता मैं वापस आ जा, नहीं देर को मैं मारता। नहीं फ्रंकलिन भैया तुम मुझे मारोगे मुझे पता है भाई, इससे अच्छा मैं यहीं पर ही, वहाँ पर धूप आई हुई है पहले, मैं अच्छी तरह आग के नीचे खड़े रहूँ ताकि मैं थोड़ा सा अपने आप को गर्म कर लूँ। यहाँ पर धूप देखो बहुत वीआईपी आई हुई है। तुम अपना मेरे बिना वजह वहाँ पर आ गए थे, रुक जाओ थोड़ा सा यहाँ पर मैं गर्म हो जाऊँ, उसके बाद देखूँगा। अबे फ्रंकलिन क्या गर्म होगा तू।